कैसे हो दोस्तों? एमआईएस में एक्सपर्ट बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो? बनना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं एमआईएस के अमेजिंग लेक्चर आपके लिए लेके आ रहा हूं। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आपका स्वागत करता हूं और एमआईएस सीखने की सीरीज में भी आपका स्वागत है दोस्तों। ये आपके सामने नया लेक्चर है एमआईएस सीरीज का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परसेंटेज के अंदर मैंने यूज किया है यहाँ पे कॉलम चार्ट का। किस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं फेब्रुवरी पे क्लिक कर रहा हूँ, उसका 65% है, तो यहाँ पे कॉलम चार्ट में दिखाई दे रहा है वो रेड बार जो है वो कम होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। मार्च, अप्रैल, मई आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं कोई भी मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उस मंथ का रिपोर्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है और साथ में ये परसेंटेज साइन के अंदर कॉलम चार्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है क्लियरली कि कम ज्यादा हो रहा है। तो ये आज के एमआईएस सीरीज में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ कि मैंने ये परसेंटेज के अंदर कॉलम चार्ट किस तरह से इंसर्ट किया। चलिए इसको सीखने के लिए हम शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस। फॉर दिस लेट्स मोन एक्सेल फाइल। फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। चलिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे शीट वन में मैंने पहले से टाइप किया है डेटा, जिसमें मंथ सेल्स टारगेट और एचयू भी लिया है। एचयू टारगेट कितना परसेंटेज एचयू हो गया वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो उसको कैसे निकालना है, सिंपल सी बात है। ये बी टू अगर हम लोग इसे डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हम परसेंटेज का साइन देंगे यानी डिवाइड बाय 100 हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो आपको मिलेगा कितना परसेंटेज यहाँ पे एचयू हो चुका है। तो सबका यहाँ पे परसेंटेज मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं इसे कॉपी कर लूंगा और इसे ट्रांसपोज कर दूंगा। ट्रांसपोज जो कि आपको पता रहेगा पेस्ट में एक ट्रांसपोज ऑप्शन से, उसके लिए आप अल्ट वी अल्ट एच वी टी करेंगे तो भी आ जाता है ट्रांसपोज ऑप्शन, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ट्रांसपोज में क्लिक कर देता हूँ। ट्रांसपोज से क्या होगा, ये मंथ इस तरह से आ जाएंगे। जैसे मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए था तो यहाँ पे मैंने उसे कॉपी पेस्ट कर लिया है। सेंटर वगैरह अलाइनमेंट दे देता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे मंथ टाइप करना चाहता हूँ, इसमें से एक मंथ यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करके ले लेता हूँ फिलहाल, और यहाँ पे मैं इसे इस तरह से वीलुकअप दे देता हूँ। अभी वीलुकअप कैसे दूंगा मैं आपको दिखा देता हूँ। वीलुकअप इस मंथ के ऊपर मैं वीलुकअप दे रहा हूँ। वीलुकअप मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। लुकअप वैल्यू रहेगी, अगर वीलुकअप नहीं आता है तो याद रखो वीलुकअप में सबसे पहली लुकअप वैल्यू रहती है, कॉमा। टेबल एरे आएगा दोस्तों, तो टेबल एरे में हमारे पास ये डेटा है, इसमें से हम लुकअप करने वाले हैं। ये पूरा डेटा मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। डेटा आपको दिख रहा है ए कॉलम से लेकर डी कॉलम तक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ओके, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कॉमा देंगे क्योंकि हमें देना है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मुझे यहाँ पे जनवरी मंथ के अकॉर्डिंग परसेंटेज शो करने है, तो परसेंटेज मेरे एचयू ये टारगेट ये कॉलम में है और ये कॉलम ए कॉलम से कितनी दूरी पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, कॉलम इंडेक्स नंबर उसका 4 हो जाएगा। क्योंकि जब आप टेबल सेलेक्ट करते हो तो उस टेबल में इस कॉलम का नंबर जो आंसर आपको चाहिए उसका नंबर कितना होता है वो आपको यहाँ पे लिखना रहता है, और 4 लिखना है मुझे यहाँ पे, सॉरी। और यहाँ पे कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच मुझे चाहिए। वीलुकअप आपका आता ही होगा दोस्तों, क्योंकि वीलुकअप एमआईएस सीखना तो वीलुकअप तो पहले से जान लेना चाहिए आपको। और उसके बाद यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कीजिए। कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको जनवरी के अकॉर्डिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स नहीं तैयार करना है, एक वीबीए का कोड यूज करना है जो मैंने पुराने वीडियोस में बताया है, आपने शायद उसका यूज किया होगा। अभी भी यहाँ पे उसका यूज आपको मैं बताने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल है इस सेल का नाम क्या है, यहाँ पे आप नेम बॉक्स में देख सकते हैं जीवन है। ओके, ये जीवन है, तो जीवन में जनवरी आ चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं फेब्रुवरी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फेब्रुवरी आ जाए, मार्च पे क्लिक करूंगा तो मार्च आ जाए, अप्रैल पे क्लिक करूंगा। तो ऐसा करने के लिए एक मेरा पुराने एमएस का वीडियोस है, इसके इस वीडियो का कुछ 8 दिन पहले का वीडियोस मैंने एमएस का अपलोड किया था, शायद आपने वो देखा होगा। नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ऐसा सिलेक्ट करने बाद डायनेमिकली ये जो कंटेंट है सेल की यहाँ पे कैसे डिस्प्ले होगा उसके लिए एक छोटा सा वीबीए कोड है दोस्तों। और जी हाँ, वीबीए कोड छोटा सा ही है, क्योंकि कोई बड़ा कोड तो मैं बनाता नहीं वीबीए में। आपको जब एमआईएस का लेक्चर पढ़ाता हूँ तो छोटे कोड में आपको एमआईएस का एक्सप्लेनेशन अच्छे से देने की मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोड आपको बता देता हूँ, अल्ट F11 प्रेस करना है आपको। चलिए मैं अल्ट F11 प्रेस करके वीबीए का स्क्रीन ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है तो आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद इस शीट के ऊपर मैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा, पहले व्यू कोड करूंगा, शीट के लिए व्यू कोड करूंगा, और उसके बाद इस शीट में व्यू कोड करने के बाद यहाँ पे मैं वर्कशीट सिलेक्ट करूंगा। आपको सिंपली दिखाई दे रहा है वर्कशीट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, और वर्कशीट सिलेक्ट करते ही यहाँ पे एक लिख के आ जाएगा सिलेक्शन चेंज ये फंक्शन, और ये फंक्शन हमें चाहिए। तो ये फंक्शन में हमें क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो जीवन का सेल है यानी कि शीट 1.रेंज इट्स जीवन, इट्स जीवन ओके डॉट वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए हमें सिलेक्शन डॉट वैल्यू। वाओ, दैट्स सिंपल कोड हो गया, बस हो गया, इतना कोड याद रखिए बस, ये हमेशा यूज होगा आपको बहुत सारी जगह पे प्रेजेंटेशन देने के लिए, काफी इंटरेस्टिंग कोड है। हाँ याद आया मुझे, हाइपरलिंक के अंदर जो एमआईएस का हाइपरलिंक का एक वीडियो मैंने डाला है उसके अंदर मैंने इसका यूज बताया था दोस्तों, शायद आपने वो चेक किया होगा। यहाँ पे नहीं किया तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका प्रैक्टिस भी इसी वीडियो में कर लीजिए अभी।
तो चलिए मैं इसे अभी क्लोज कर देता हूँ, इसका काम खत्म है। चलिए देखते हैं कैसे, यहाँ पे फेब्रुआरी मार्च, आपको मुझे ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या हो रहा है यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है दोस्तों कि मैं जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये जीवन की वैल्यू जो है वो इस सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड है। तो चलिए ठीक है, अभी वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, मतलब हमें यहाँ से मिल रहा है डायरेक्टली परसेंटेज इस कॉलम से यहाँ पे, और उसको मैं माउस के जरिए से फ्लेक्सिबल कर चुका हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है तो यहाँ पे तो कुछ ज़रूरी है मुझे, यहाँ पे मैं इसे मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे कुछ कलर वगैरह आप दे सकते हैं फिलहाल। तो फिलहाल मैं इंसर्ट में जा रहा हूँ, और इंसर्ट के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन, टेक्स्ट बॉक्स में मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स, और ड्रैग करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स पे बॉर्डर पे क्लिक करना है। और एक बात याद रखना है कि टेक्स्ट बॉक्स में अगर कोई सेल लिंक करनी है आपको, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार का हेल्प लेना है, मतलब फॉर्मूला बार में आपको इज इक्वल टू साइन देना है, और जो सेल लिंक करनी है उस पर क्लिक करना है। ये हमारा वी लुकअप का जो सेल रहेगा आंसर, वो यहाँ पे लिंक करेंगे। तब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या होगा, जैसे आप इधर सेलेक्ट करेंगे ये यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा। इसे ज़रा आप सेंटर में लाइए और इसकी टेक्स्ट साइज यहाँ पे बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, सो यू विल हैव टू डू समथिंग लाइक दिस। इम्पैक्ट भी बना दीजिए चाहिए तो, अच्छा फॉन्ट यहाँ पे दे दीजिए, ओके ठीक है। इसका बॉर्डर गायब कर दीजिए। फॉर्मेट में ऑप्शन है हमारे पास, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, आई डोंट वॉन्ट टू शो दिस आउटलाइन हियर, एंड आई डिड इट। ओके मैं इसका साइज और बढ़ा देता हूँ, और टेक्स्ट का साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, काफ़ी बढ़िया हो गया। चलो अब मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन देना चाहता हूँ, लेकिन वो कैसे, वो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, तो वो समझना यहाँ पे ज़रूरी है आपको। अब यहाँ पे जो परसेंटेज का साइन आने वाला है, उसके लिए हमें चार्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मैं चार्ट बनाऊंगा, किस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ पहले, और इसे मर्ज कर रहा हूँ। मर्ज करने के बाद यहाँ पे इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, इसके ऊपर मैं चार्ट इंसर्ट करूंगा, इसलिए इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया है, जी और एच जो हेडिंग है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं जाऊंगा इंसर्ट के अंदर, और इंसर्ट के अंदर सिंपल सा एक कॉलम चार्ट ही इंसर्ट करना है बस आपको। ये ऊपर का दिख रहा है पहले कस्टम कॉलम चार्ट रहता है 2D वाला, वो इंसर्ट कीजिए। वो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे डेटा नहीं आएगा, लेकिन आप जैसे जनवरी पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। जनवरी पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे आपको डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। आपको पता है कि वो जनवरी पे क्लिक करने पर डेटा क्यों डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे उसको सेलिंग किया। फरवरी पे क्लिक करेंगे तो अलग आ जाएगा। मैं फरवरी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसको ज़रा नीचे रख देता हूँ मैं। ओके फरवरी मार्च यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वो सिलेक्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होते जा रहे हैं। अब मैं इस चार्ट में कुछ चेंजेस करूँगा जो आपको यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इस कॉलम चार्ट की साइज़ इस तरह से कम कर देता हूँ। ओके यहाँ पे मैं इस पे नंबर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर, और इसमें एक ऑप्शन रहता है जिसको हम लोग इसे फॉर्मेट करेंगे। तो फॉर्मेट एक्सिस ये ऑप्शन है, तो फॉर्मेट एक्सिस से क्या होगा, आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस दिखाई दे रहा है 0 मिनिमम में, वो आपको करना है 0 यहाँ पे, और 0 ऑलरेडी है तो मैं 0 क्यों टाइप कर रहा हूँ, इसका रीजन ये है क्योंकि मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको बार बार चेंज नहीं करना मुझे। और यहाँ पे मुझे चाहिए 100, 0 to 100 परसेंटेज में मुझे उसे शो करना है, तो ये 100 और 0 फिक्स हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 0 और 100 चेंज नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मार्च पे तो 0 और 100 वो कंटिन्यू एज इट इज़ रहेगा। हालांकि पहले चेंज हो रहा था, अप एंड डाउन हो रहा था कॉलम की साइज़ के हिसाब से, ऑटोमेटिकली नंबर्स एडजस्ट कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है, अभी वो फिक्स हो गया है। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कैसे करना है, डायरेक्टली डिलीट बटन प्रेस कीजिए या फिर यहाँ पे जाइए, यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको दिख रहा है चार्ट टाइटल नहीं चाहिए, एक्सिस नहीं चाहिए, ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप इस तरह से हाइड कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे अभी मैं कुछ एडिटिंग करने जाता हूँ चार्ट के अंदर, ऐसा क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे डिसअपीयर, मतलब यहाँ वहाँ क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे वो डिस्प्ले चला जा रहा है। तो आप एक काम कीजिए, प्रैक्टिस करते समय अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो यहाँ पे एक 50% 100% देके रखिए आप, एक टेम्पररी, बाद में वीलुकअप उसको वापस अप्लाई करेंगे हम लोग वहाँ पे। फिलहाल ये वहाँ पे कॉलम चार्ट इस तरह से बन जाएगा, जो कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए इजी जाएगा अभी, क्योंकि इसकी साइज इस तरह से आपको कम करनी है यहाँ पे, ये समझ लेना अभी साइज मैंने किस तरह से कम कर दी है, इस तरह से यहाँ पे साइज कम कर दी मैंने, और इसकी हाइट भी यहाँ पे मैं कम कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे और कम कर देता हूँ। ओके ठीक है, मैंने जो मर्ज किया था बॉक्स उसके अंदर इसे फिट कर देना है, जो मर्ज किया देखो पीछे जो कंटेंट मर्ज किया मैंने उसके अंदर इसको फिट कर देना है। अभी देखो ये चार्ट गायब नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको डायरेक्टली वीलुकअप हटा दिया, थोड़ी देर के लिए हटा दो, वीलुकअप ऑफिस अप्लाई करेंगे हम लोग, मैं पहले ही वीलुकअप यहाँ पे आपको पढ़ा दिया, इसलिए वो बार बार डायनेमिकली चेंज होकर चार्ट का डिस्प्ले निकल जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी 90% करके दिखा दो आपको, देखो प्रॉपरली वो यहाँ पे कॉलम चार्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो आप जितनी चाहिए उतनी साइज मर्जी कम कर सकते हैं, और अंदर के चाहिए तो इस बॉक्स की साइज आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ इसकी साइज। अब मैं इतना थोड़ा सा इतना ठीक है, ये बहुत ब्रॉड हो गया, अब मैं इसे भी कम कर देता हूँ और इसे भी कम कर देता हूँ थोड़ा सा,
ठीक है, ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना ही होगा. ओके, एंड वंस यू एडजस्ट दिस प्रॉपरली, सो इट इज रेडी टू नेक्स्ट प्रोसेस. सो एडजस्ट हो गया, आपको दिखाई दे रहा है. अब क्या करूंगा मैं इसे, अब मैं इसे यहां से उठाऊंगा. कैसे, सबसे पहले मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा जो मर्ज किया हुआ बॉक्स है, उसे मैं यहाँ पे कंट्रोल सी बटन प्रेस करूंगा. कॉपी, याद रखना है, कंट्रोल सी कॉपी. तो कॉपी बटन प्रेस किया और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको पेस्ट लिंक का ऑप्शन दिखाने वाला, लेकिन पेस्ट कहाँ पे करना है मैं अलग जगह पे कर्सर रख देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट में जाकर ये लिंक पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें अलग पोजीशन पे इसको पेस्ट करना है. तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया साइड में. कर्सर साइड में रखना बहुत जरूरी, क्योंकि कर्सर उसी के ऊपर रखेंगे तो वहां पे पेस्ट हो जाएगा. तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना है, पेस्ट अलग जगह पे, हमें अलग लोकेशन पे करना है. अब यहाँ पे मैं करूंगा क्रॉप टूल का यूज, क्योंकि ये पिक्चर में कन्वर्ट हो चुका है और इस तरह से मैं क्रॉप टूल का यहाँ पे यूज करूंगा. क्रॉप टूल से मैं इसे क्रॉप करूंगा, जितना चाहिए मर्जी आप इसे क्रॉप कर सकते हैं और जितना रखना है उतना आप रख सकते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे इतना क्रॉप कर रहा हूँ. ओके, ठीक है, दैट इज ओके. बाजू में क्लिक कर दूंगा और मैं इसे रोटेट कर दूंगा. इस तरह से रोटेट कर देना है इसको. रोटेट कर दिया मैंने यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली, ये रोटेट हो चुका है. और इसे यहाँ पे एडजस्ट करना होगा आपको, और साथ में आपको दो सर्कल भी ड्रॉ करने होंगे. दो सर्कल तो यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते. इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में शेप्स ऑप्शन है आपके पास, शेप्स ऑप्शंस में जाइए और यहाँ पे से ओवल सिलेक्ट कीजिए. बस ओवल क्लिक कीजिए और ड्रॉ कीजिए. यहाँ पे ओवल, ओवल का आउटलाइन वगैरह आप दे सकते हैं, शेप इफेक्ट भी दे सकते हैं, ओवल में बेवल ये इफेक्ट दे सकते हैं. सपोज इसको व्हाइट कलर भी दे सकते हैं आप यहाँ से, और फिर इफेक्ट दे सकते हैं, बेवल वगैरह इफेक्ट यहाँ पे दे सकते हैं. ओके, और इसको रोटेट मैं कर देता हूँ. चलो ठीक है, यहाँ पे ये परसेंटेज साइन के लिए हो चुका है. कंट्रोल डी डुप्लीकेट, और यहाँ पे इसको रख दिया मैंने. ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे रख दिया. ओके, इस पर क्लिक करने के बाद अब मैं इसे भी थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ उसका पिक्चर इफेक्ट्स बेवल और यहाँ पे इफेक्ट देना चाहता हूँ. और इस चार्ट के अंदर का कलर जो है मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और फॉर्मेट में जाकर चार्ट का जो कलर है आप जो चाहिए वो रख सकते हैं. यहाँ से चार्ट का कलर चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा. और अब इसे भी ऊपर रख दीजिए और दोनों को एक साथ, मतलब तीनों सभी शेप को, सॉरी यहाँ पे कितनी सारी शेप है ये दिखाई दे रही है आपको, उसको शिफ्ट बटन प्रेस करके सिलेक्ट कीजिए एक एक करके. देखो शिफ्ट बटन प्रेस करके सिलेक्ट किया एंड राइट क्लिक, और एक ऑप्शन है इसके अंदर जिसे आप ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हैं. ग्रुप, ओ ये हो गया ग्रुप हमारा, और ग्रुप प्रॉपर हो गया है. देखिए आप यहाँ पे अभी वीलुकअप कीजिए, लास्ट का जो वीलुकअप हमने किया था वो वीलुकअप करने के बाद आपका ये चार्ट हो जाएगा डायनेमिक और हो जाएगा जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था वैसे रेडी हो जाएगा आपका चार्ट प्रेजेंटेशन के लिए. तो वी लुकअप इसके ऊपर है, कॉमा टेबल एरे, याद रखिए स्टार्टिंग का वी लुकअप जो था वही, और कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 4, मैं बार बार 3 लिखता हूँ सॉरी फॉर दैट, 0 और एंटर. और अभी आपको दिख रहा है फेब्रुआरी जनवरी सब यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे परसेंटेज चेंज हो रहा है. बाकी इसमें कलर वगैरह आप सब दे सकते हैं, आप एक्सपर्ट हो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ से आप कलर दे सकते हैं एंड यू कैन फील द कलर्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स हो दे. So you can do it. तो ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये परसेंटेज साइन के अंदर किस तरह से कॉलम चार्ट हम डिस्प्ले करने वाले. दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है ये, प्रेजेंटेशन के लिए काफी यूजफुल है. और इसकी प्रैक्टिस की फाइल अगर डाउनलोड करना है तो है ना मेरी वेबसाइट जो बॉटम में डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने, विजिट कीजिए वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में इसकी फाइल मिल जाएगी MIS फाइल्स के अंदर. तो डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिए. मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर. लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं MIS एक्सेल, एक्सेल के काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और VBA एक्सेल भी मैं पढ़ाता हूं. तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं रेगुलरली तो मेरे चैनल को आपको करना होगा सब्सक्राइब. तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा. सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय.